ओके आईओ की फ्रेंड्स, आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि आखिर में कैसे एक गूगल एडवर्ड्स का कैसे आपको सेटअप करना है, कैसे अकाउंट क्रिएट करना है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप यहां पे सीखने वाले हैं कि कैसे आपको अपने चैनल को प्रमोट करना है एडवर्ड के जरिए, और आखिर में आपको कैसे अपना कैंपेन सेट करना है, वो भी अपने बजट के अकॉर्डिंग। और दोस्तों, एक बात यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कई बार क्या होता है कि आप कैंपेन रन तो करते हैं, लेकिन कहीं पर अगर आप कुछ गलत सेटिंग कर देते हैं, उससे आपको ज़्यादा व्यूज़ नहीं मिलते और आपके पैसे भी ज़्यादा से ज़्यादा वो ख़त्म हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको मैं सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, सारी चीज़ें क्लियर, कि कैसे आपको जब एक कैंपेन रन करते हैं तो कैंपेन रन करते टाइम पे किन बातों का, किन चीज़ों को, किसको टिक करना है, किसको टिक नहीं करना है, कि ताकि हमारे कम पैसे के अंदर ज़्यादा व्यूज़ मिल सके, ऐसे क्या सेटिंग करें अपने एडवर्ड्स के अंदर, ताकि आसानी से जो है आपकी वीडियोस पे ज़्यादा व्यूज़ मिलें, वो भी बहुत कम पैसे में। तो इसके लिए कैसे सेटअप करना है, कैसे पूरे प्रोसेस होते हैं, किन बातों का ध्यान रखना है, सब कुछ पूरी डिटेल इस वीडियो के अंदर मिलेगी आपको। तो फ्रेंड्स, बिना देर की वीडियो करते हैं स्टार्ट। जी फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया कि आखिर में आपको मैं बताऊँगा इस वीडियो के अंदर कि कैसे आपको कैंपेन रन करते टाइम किन बातों का आपका ध्यान रहना चाहिए। और दोस्तों, कई चीज़ें होती हैं कि अगर आपने वीडियो को स्किप कर दिया, ऐसे आगे बढ़ा दिया, और फिर आपको बीच में जो मेन स्टेप, जो मेन चीज़ें, जो मैं सेटिंग बताऊंगा, अगर वो आप नहीं ध्यान रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान हो जाएगा। फिर बाद में आप कमेंट में ये मत लिखना कि यार समझ नहीं आया, ऐसे पैसे कैसे ज़्यादा चले गए, व्यूज़ क्यों नहीं मिले, हमने तो वीडियो सही लगाया था, एक्स वाई जेड, बहुत सारी चीज़ें। तो इसके लिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखना है, ताकि आप आसानी से सब कुछ समझ सकें कि कैसे आपको एक सही वे में और किसे आपको एक सही तरीके में आपको कैंपेन रन करना है, ताकि आपका जो YouTube चैनल है उसको ग्रोथ मिले। अब देखिए, ग्रोथ कैसे मिलेगी, तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, जब आप कैंपेन रन करेंगे वो भी कम पैसे के अंदर, तो डेफिनेटली उसमें आपके पास में व्यूज़ ज़्यादा आएंगे। अब वो व्यूज़ भी लाने के तरीके हैं, वो तरीके कैसे, कि आपको सेटअप और सेटिंग पूरी बिल्कुल बेस्ट तरीके से करनी है, तभी आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। और दोस्तों, जब व्यूज़ आपके किसी एक वीडियो के ऊपर आएगा, डेफिनेटली उसमें आपके बहुत सारे लोगों तक वो वीडियो पहुँचेगी, तो उसकी मदद से आपका जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है, उसको ग्रोथ मिलेगी। और यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखना जरूरी है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाके आई बटन में देख लें कि आखिर में कैसे एडवर्ड्स का सेटअप करना है, कैसे अकाउंट क्रिएट करना है, सब कुछ आप आई बटन में जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे दोस्तों इस बात का ध्यान रहे कि आपको वॉच टाइम नहीं मिलेगा, आपको इस बात का ध्यान रहे, जस्ट आपका चैनल जो है प्रमोट होएगा, उसको बूस्ट मिलेगी, तो दोस्तों इस तरह से आपको बेनिफिट होगा। तो फ्रेंड्स, कैसे सेटअप करना है, कैसे आपको कैंपेन रन करते टाइम पे किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे पेमेंट करेंगे, और कैसे सारी चीज़ें, हम सब कुछ चेक करेंगे, सारी डिटेल बताऊंगा। दोस्तों चलते हैं हमारे डेस्कटॉप की स्क्रीन के ऊपर, जहां पे मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। ओके ठीक है फ्रेंड्स, तो आ गए हमारे डेस्कटॉप की स्क्रीन के ऊपर, और दोस्तों अब यहाँ पर आपको सारी चीज़ें बिल्कुल सही से और अच्छे से समझना है। तो दोस्तों, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि लास्ट टाइम मैंने बताया था कि भाई कैसे आपको जो है अपना गूगल एड्स के लिए अपना अकाउंट क्रिएट करना है, वो वीडियो ये रही, अगर आपने नहीं देखा अभी तक तो आप इसको जाके देख सकते हैं, ये रही वो वीडियो, और जिसमें मैंने बताया था कि कैसे आपको अकाउंट अपना क्रिएट करना है गूगल एड्स के लिए। तो फ्रेंड्स, अब क्या करते हैं, हमारा यहाँ पर गूगल एड्स का अकाउंट भी हमारा यहाँ पर क्रिएट है, और अब अकाउंट क्रिएट होने के बाद में अब आपको क्या करना है, देखो अभी आपको यहाँ पे ध्यान से समझना है कि सबसे पहले आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा जो है न्यू कैंपेन, तो आपको यहाँ पे न्यू कैंपेन के ऊपर क्लिक करना है, और जैसे यहाँ पे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे जो सबसे पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है वो ये सेलेक्ट करना है, यहाँ से इसको सेलेक्ट करके उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ से वीडियो, और वीडियो को सेलेक्ट करने के बाद आपके पास में यहाँ पे सेलेक्ट ए कैंपेन सब टाइप, तो आपको यहाँ पे कस्टम वीडियो कैंपेन टाइप कीजिए, ताकि आप सारी चीज़ें खुद कस्टमाइज कर सकें हर चीज़ें। तो यहाँ पे बस आपको करना है कंटिन्यू, और जैसे ही आप कंटिन्यू पे करते हैं तो इसके बाद में आपके पास में जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है कि आपके पास में यहाँ पे कि भाई आपके कैंपेन का नाम क्या है। आपको सबसे पहले आपको अपने कैंपेन का नाम सेट करना है, क्योंकि ये सेट करना ज़रूरी है, ताकि आपको ये पता लग सके कि आपने जो कैंपेन चलाया था वो कौन सा था और किस चीज़ के लिए आपने यूज़ किया। तो हम यहाँ पे सबसे पहले एक नाम इनपुट कर देते हैं। ओके ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, अपने जो कैंपेन का नाम है वो ले लेते हैं यहाँ से, और यहाँ पर हम कैंपेन का नाम डाल देते हैं कुछ भी, सैमसंग A50A505F, तो बाईपास एंड्रॉयड 10, तो बस इतना लिखते हैं यहाँ पे हम, ताकि आसानी से हम समझ सकें कि भाई ये क्या चीज़ था। और इसके बाद जो नेक्स्ट है वह है विडिंग स्ट्रेटेजी, तो आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करना है, और जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन मिलता है, एक मिलता है मैक्सिमम CPV और एक मिलता है टारगेट CPM।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये है कि भाई अगर आप एक ही ऑप्शन है कि आपको पर क्लिक के हिसाब से यानी क्लिक पर व्यू, एक है क्लिक पर व्यू और दूसरा एक आपके पास में ये वाला कि भाई आपके पास में जैसे कि चाहे जितना आपके आपने मान के चलिए कि आपने 1000 रुपये लगा दिए या 500 रुपये लगा दिए, आपके पास व्यू आए या ना आए ये मैटर नहीं करता है। लेकिन दोस्तों इस पे क्या होगा कि भाई व्यू आएगा तो ही मेरा पैसा ख़त्म होना चाहिए, तो क्लिक पर व्यू के हिसाब से आपके पास में पैसा जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम इसको मैक्सिमम क्लिक पर व्यू क्लिक करते हैं और नेक्स्ट के बाद यहाँ पर आपके पास आया कि बजट एंड डेट। तो आपको यहाँ पर जो है डेली आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है और डेली सेलेक्ट करके आप यहाँ पे जो भी आपका बजट है चाहे 100 या 200 या 300 या जो भी आपके पास में है वो आप यहाँ पे डेली का आप जो बजट है वो आप यहाँ पे सेट कर दीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे आता है नेटवर्क, तो नेटवर्क के ऊपर आपको क्लिक करना है और आप यहाँ पर देखेंगे ये कुछ ऑप्शंस हैं, आपको लास्ट वाले को अनसेलेक्ट करना है, बाकी को दोनों को सेलेक्ट रखना है। इसके बाद यहाँ पर आता है कि लोकेशन, आपको किस लोकेशन के अंदर आपको अपनी वीडियो को दिखाना है या अपने ऐड को शो करना है। लाइक आप देखेंगे यहाँ पर ऑल कंट्रीज़ एंड ये सारी चीज़ें, या इंडिया के अंदर या आपको पर्टिकुलर कोई आप स्पेसिफिक कोई एरिया आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। तो बट अभी हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इंडिया सिर्फ सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है कि आपकी जो सेलेक्ट द लैंग्वेज योर कस्टमर स्पीक, तो आपका जो देखिए अभी अगर आपने आपकी वीडियो जो है हिंदी में है तो डेफ़िनेटली आप यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट करें क्योंकि वीडियो आपका उसी से रिलेटेड है, तो आप यहाँ पर जो है हिंदी आप सेलेक्ट कर लीजिए। बाकी अगर आपने उसके अंदर और भी कहीं कुछ और यूज़ किया लाइक अगर इंग्लिश भी कहीं कुछ चीज़ें बताई हैं तो आप यहाँ से इंग्लिश वर्ड भी यूज कर सकते हैं, बट अभी अगर आपने मान के चलिए इंग्लिश यूज किया तो उसको आप आसानी से रिमूव भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पे यहाँ पर आते हैं कि इन्वेंट्री टाइप, तो आपको यहाँ पर इन्वेंट्री टाइप में आपको यहाँ पर क्लिक करना है और आपको यहां से ये एक्सटेंडेड इन्वेंट्री पे क्लिक करके और नेक्स्ट इसके बाद आपके पास में आता है कि एक्सक्लूड टाइप्स ऑफ टाइप एंड लेवल्स, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास में यहां पर ये सारे ऑप्शंस आते हैं। तो आपको यहां पे इसको करना है अनटिक और यहां से इन दोनों को आपको टिक कर देना है। और इसके बाद फ्रेंड्स आपके पास में नेक्स्ट ऑप्शन आता है एडिशनल सेटिंग, तो एडिशनल सेटिंग में आप देखेंगे यहाँ पर क्रिएट योर एड ग्रुप्स, तो आपको यहाँ पर देखिए कि आपको एड ग्रुप सेलेक्ट करना है यानी कि आप जो है अपनी वीडियो किस एज को दिखाना चाहते हैं कि वो कौन से एज ग्रुप है जिनको आप टारगेट करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए अगर आपने बच्चों के लिए वीडियो बनाई है तो आप वो टारगेट करेंगे, अगर आपने बड़ों के लिए बनाई है तो वो टारगेट करेंगे, तो डिपेंड करता है आपका कौन सा मतलब जो कंटेंट आपका जो वीडियो आप ऐड कर रहे हैं जिस वीडियो के लिए वो किस एज ग्रुप के लिए है। तो आप यहाँ पर क्या कीजिए कि आप यहाँ पर एड ग्रुप नेम टाइप कर सकते हैं, तो अभी हम इसको ऐसे रहने देते हैं। बाकी आप यहाँ पे देखिए इस पर जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्रिएट ए ग्रुप क्लिक करेंगे तो आपके पास में यहाँ पर जो है ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं यहाँ पे कि बाकी की कैसे आपको जो है यहाँ पे एडवांस के अंदर आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएगा और यहाँ पे आपके पास में देखिए ये मिल जाता है एडिशनल सेटिंग का, जिसके अंदर आप यहाँ पर देखेंगे जैसे आपने यहाँ पर एडिशनल सेटिंग में आपने यहाँ पर किया तो आप देखेंगे आपके पास में यहाँ पर जो है एक है कन्वर्स, इसको आप छोड़ दीजिए, कन्वर्सेशंस को इसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट आपके पास डिवाइस आता है, डिवाइस में आप देखिए कि आप पर्टिकुलर जो है किस डिवाइस में आप अपने ऐड को शो कराना, जैसे टीवी टैबलेट्स तो इनको तो चाहिए नहीं, यहाँ से कंप्यूटर्स भी हटा देते हैं और यहाँ पर देखिए फ़ोन के अंदर चाहिए, तो भाई ये चीज़ आपको यहाँ पर ऑन रखना पड़ेगा दोनों चीज़ें, ये यानी कंप्यूटर्स और फ़ोन के अंदर आपकी ये दोनों होने चाहिए। यहाँ पे आप बाकी डिवाइस मॉडल ये सारी चीज़ें भी कर सकते हैं बट इतना ज़रूरी नहीं है। और नेक्स्ट यहाँ पे है फ्रीक्वेंसी कैपिंग, फ्रीक्वेंसी कैपिंग दोस्तों यहाँ पर ये है आपको क्लिक करना है फर्स्ट वाले के ऊपर, क्योंकि अभी क्या देखिए फ्रीक्वेंसी कैपिंग ये है कि आप जो है अपनी एड को एक इंसान को कितनी बार दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं नंबर ऑफ एड 1 और यहाँ पर पर डे नहीं करना, आपको यहाँ पर मंथ कर दीजिए कि एक महीने में एक बार उसको ऐड दिख जाए, आप पर डे करेंगे तो वो परेशान हो जाएगा, 30 दिन में 30 बार ऐड उसको आएगा। और यहाँ ऐड शेड्यूल ऑल डे रहने दीजिए इसको, ठीक है ये। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो ऑप्शंस आता है आपके पास में वो आता है फ्रेंड्स यहाँ पे कि भाई ऐड ग्रुप, जो मैंने आपको पहले भी बताया, तो इसमें आपको यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पे डेमोग्राफिक्स, उस पर क्लिक करना है और जैसे क्लिक करें तो आप यहाँ पे देखें आप यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं कि भाई किसको आपको दिखाना है, मेल फीमेल। और यहाँ पर देखिए ये मेन चीज़ है कि एज, राइट, तो एज जो है आप यहाँ पर देखेंगे ये सब अनसेलेक्ट कर लीजिए क्योंकि ये आपके इतने काम करने के आपको टारगेट रखना है ये वाले 3 सेक्शन हम रख लेते हैं क्योंकि इन लोगों को ही इस तरीके के वीडियोज़ की रिक्वायरमेंट होगी। और बाकी यहाँ पर देखिए
ये सारी चीज़ें हैं, ऐसी रहने दीजिए। बाकी यहाँ पर देखिए हाउस होल्ड इनकम, तो ये बस इतना आगे करते हैं। यहाँ पे ऑडियंस, तो ऑडियंस में आप यहाँ पर देखेंगे आपके पास में, अब आपको ये समझना है ये ऑडियंस वाला क्या सिस्टम है। कि देखिए अब यहाँ पे आपको देखना है कि ये जो आपकी वीडियो है, मतलब किस कैटेगरी की वीडियो है, कौन से लोग इसको पसंद करते हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे व्हाट देयर इंटरेस्टेड एंड हैबिट्स आर, मतलब कौन से लोग, जैसे देखिए आपकी वीडियोस में किसको पसंद आएगा, जैसे बैंकिंग फाइनेंस और बाकी फूड डाइनिंग, हाँ डाइनिंग और बाकी यहाँ पे ब्यूटी एंड ये सारी चीज़ें। तो आप यहाँ पर देखना है कि आपका जो वीडियो का कैटेगरी है वो क्या चीज़ है। देखिए टेक्नोलॉजी है, ठीक है, पहली बात तो टेक्नोलॉजी है, बट टेक्नोलॉजी के अंदर भी देखें आपके पास में यहाँ पे बहुत सारे हैं। यहाँ पे देखिए कि टेलीफोन, ये रहा आपके पास में ये चीज़। तो अब यहाँ पर ये आपने सेलेक्ट कर लिया, तो ये सारी चीज़ें आपको सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है कि भाई आपके जो वीडियो है वो किस टाइप की, टेक्नोलॉजी के अंदर भी मोबाइल के लिए, तो बस। और बाकी यहाँ पर जो है आगे आप यहाँ पे सर्च में अगर सर्च करना चाहते हो, जैसे कि मोबाइल या फ़ोन या ऐसे कोई चीज़ आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो, जैसे आप देखिए मोबाइल फ़ोन, ठीक है, तो ये भी सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो यहाँ पे, मोबाइल फ़ोन एंड एक्सेसरीज। तो इसको हटा देते हैं, यहाँ पे कोई मतलब नहीं है इसका, बस। तो इतनी सारी चीज़ें करने के बाद में हम यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं। जैसे हमने यहाँ पे सारा सेलेक्ट कर लिया, और इसके बाद यहाँ पे आप देखें कि कीवर्ड टॉपिक्स और यहाँ पे प्लेसमेंट, इसको आप ड्रॉप कर दीजिए, इसको कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे। तो इसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट आता है सबसे मेन चीज़ जो है वो आपकी यहाँ पे है बिडिंग है, यानी यहाँ पे बिडिंग जो आपको लगानी है वो कैसे लगानी है, ये चीज़ आपको समझना ज़रूरी। देखिए कि अगर अब आपको यहाँ पर क्या है कि आपको बिड ऐसा लगाना है कम से कम कॉस्ट पर व्यू, यानी एक व्यू पे आप कितना पैसा खर्च करना चाहते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर डालते हैं एक व्यू पे भाई मैं 10 पैसे सिर्फ खर्च करूँगा। अगर यहाँ पे ये जो है गूगल अगर इसको अप्रूव करता है, तो अगर गूगल के पास में इसके लिए यहाँ पे बजट होएगा तो डेफिनेटली वो इसको ऐड को अप्रूव कर देगा, अदरवाइज़ नहीं। फिर अगर ऐसा होता है तो हम यहाँ पे थोड़ा सा हमें इसको बढ़ाना पड़ेगा। और इस बात का भी ध्यान रहे कि अगर आपके पास में व्यूज़ कम आ रहे हैं, ठीक है, अगर व्यूज़ कम आ रहे हैं तो डेफ़िनेटली आपको यहाँ पे इसको बढ़ाना पड़ेगा, और अगर व्यूज़ भी ज़्यादा आ रहे हैं तो आप यहाँ पे घटा दो, ताकि आपको अगर व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं तो घटा दोगे तो कम से कम ये होगा कि आपके कम पैसे खर्च होंगे, और क्योंकि व्यूज़ तो आ ही रहे हैं। तो ये आप यहाँ पे वीडिंग करना बहुत ज़रूरी है और सही तरीके से। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट और सबसे लास्ट आता है कि क्रिएट योर वीडियो एड्स। तो भाई कौन सी वीडियो के ऊपर ऐड डालना है, तो हम यहाँ से क्या करते हैं कि ये वाली वीडियो का लिंक यहाँ से उठाते हैं, और इस वीडियो का लिंक उठा के और यहाँ पर जो है हम इसको पेश कर देते हैं। तो ये वीडियो आ गई, और जैसे यहाँ पे आए तो इसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि आपके पास में वीडियो ऐड फॉर्मेट। तो अब आपको यहाँ पे देखिए कि आप यहाँ पे इसकी स्किपेबल एक ऐड है, आपको पता है इन स्ट्रीम एड्स, जैसे कि आपको पता है कोई वीडियो शुरू होती है तो जैसे स्किप करने का ऑप्शन आता है, ये आप सेलेक्ट करेंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा आपको। ये देखिए आपके पास आता ना ऐसे स्किप करने का, क्योंकि बहुत ही महंगी एड्स है, तो इसको नहीं, आप यहाँ पर ये वाला सेलेक्ट कीजिए वीडियो डिस्कवरी एड। उसके बाद में इस तरीके से आएगा, आपने देखा होगा कई बार YouTube सर्च में करते तो ऊपर कई लोगों के ऐसे वीडियोस आती हैं। और इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आपको हेडिंग देना है, और हेडिंग हम यहाँ से फिर से अगेन उठा लेते हैं। अब हेडिंग में एक बात का ध्यान रखना है आपको कि भाई इसमें आप यहाँ पे किसी ब्रांड का नाम नहीं डालना, क्योंकि अगर ऐसा आप डालते हैं तो कहीं ना कहीं हो सकता है दिक्कत हो जाए, बट फिर भी एक बार ट्राई तो करना पड़ेगा। वीडियो ऐसी है तो भाई अब यहाँ पे या तो हम ऐसे डाल सकते हैं मोबाइल फ़ोन बाईपास, तो हम यहाँ पे क्योंकि अगर ये चीज़ डालेंगे तो ये दिक्कत करेगा, तो हम यहाँ से क्या करते हैं इसको हटा देते हैं और यहाँ पे डालते हैं मोबाइल बाईपास सॉल्यूशन, मोबाइल फ़ोन डाल देते हैं मोबाइल फ़ोन बाईपास सॉल्यूशंस। और यहाँ पे जैसे कि हम यहाँ पे भी सेम यही चीज़ डाल देते हैं, क्योंकि अगर आपने ब्रांड का नेम डाला तो वो फिर कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत हो जाएगा। बाकी ये डाल सकते हैं ऐसे कि मोबाइल फ़ोन A50, ये ऐसे बस ठीक है ये। इसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप डाल दीजिए, जैसे कि हम यही वाला डिस्क्रिप्शन उठा के यहाँ डाल देते हैं, और यहाँ पे ठीक है ये भी डालना है आपको। और इसके बाद आप यहाँ पे सारी चीज़ें डालने के बाद आपके पास में यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है आपके पास में यहाँ पर कि आप कैसे जो है नेक्स्ट यहाँ पे ये चीज़ ऐड नेम। ऐड नेम में तो आप यहाँ पे क्या कीजिए, ऐड नेम में आप
सिंपल सा ये डाल दीजिए, एड नेम, ठीक है। और उसके बाद में ये सारी चीज़ें हो गई। ओके ठीक है फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें हमने डालने के बाद आप यहाँ पे आप चेक लीजिए कि आपकी मोबाइल में ऐड ऐसे दिखेगी और बाकी आपका डेस्कटॉप में ऐसे दिखेगा यहाँ पे। तो बस मोबाइल और डेस्कटॉप ये हो गया। और अब यहाँ पे एक और चीज़ आ रहा है कि यहाँ पे दिखा रहा है कि 210 मिलियन इंप्रेशन इस चीज़ पर आपको मिल सकते हैं। और मतलब ये समझ लीजिए कि ये अप्रोक्सीमेटली एक आइडिया है कि भाई इतना मिलेगा तो आपको जो है 5000 से लेकर 18000 व्यू मिल सकते हैं। जस्ट एक आइडिया है ये। और इसके बाद बस आपको लास्ट में यहाँ पे क्रिएट कैंपेन पे क्लिक कर देना है। और जैसे इसके ऊपर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पर देखिए कुछ इशू आ रहा है जिसको हमें यहाँ पे इसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये रहा एट टर्म्स वैलिड पॉलिसी एंड्रॉयड। अच्छा, एंड्रॉयड नहीं डाल सकते, देखा मैंने आपको बताया था ना यहाँ पे कि आप ब्रांड नेम नहीं डाल सकते, कोई भी ब्रांड नेम नहीं डाल सकते आप यहाँ पे बस, क्योंकि ब्रांड नेम डालते ही यहाँ पे वो मना कर देगा, तो ये पॉलिसी के अगेंस्ट है, ठीक है। तो फ्रेंड्स जैसे हमने वहाँ पे क्लिक किया तो आप देखेंगे यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन योर कैंपेन इज़ रेडी। और यहाँ पे आप देखेंगे 31 जुलाई इज़ नो एंड डेट, अभी कोई डेट एंड नहीं है, बाकी यहाँ पे सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। इस पर बस यहाँ पे कंटिन्यू टू कैंपेन पे क्लिक कर देना है। और जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास में यहाँ पे ये जो ये चीज़ है यानी कि जो आपकी कैंपेन है ये स्टार्ट हो जाएगी। तो बस फ्रेंड इस तरीके से बस हमें वेट करना है और हमें देखते रहना है ताकि जो है सारी चीज़ें हमें पता लगती रहे कि भाई क्या सही है। लेकिन हाँ एक बात और है कि अभी सबसे पहले हमें इस ऐड का जो है हमें अप्रूवल मिलेगा, तो जैसे ही अप्रूवल मिलेगा तैसे वो ऐड स्टार्ट हो जाएगी, आपको व्यूज़ इंप्रेशन सब कुछ देखने को मिलती रहेंगे। ओके आई होप कि फ्रेंड्स आपने देखा बहुत ही आसानी से आपने जो है एक कैंपेन रन किया अपने यूट्यूब चैनल के लिए। तो बस फ्रेंड ये पूरा मेथड और पूरा प्रॉपर तरीका था कि कैसे आपको जब एक कैंपेन रन करना है तो किन चीज़ों को टिक करना है, किन चीज़ों को अनचेक करना है, एवरीथिंग सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। और फ्रेंड्स अभी भी अगर कोई डाउट है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए, जहाँ पे डाउट है वहाँ पे डायरेक्टली आप जाके उसको चेक कीजिए। और फिर भी अगर आपको किसी चीज़ में कोई कन्फ्यूजन है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है इंस्टाग्राम का आईडी और उस पर जाके आप फॉलो कीजिए, डायरेक्ट मुझे DM कीजिए, डेफिनेटली मैं वहाँ पे आपका रिप्लाई करूँगा और आपका जो भी प्रॉब्लम होगा जो भी क्वेश्चन होंगे उनका सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे। तो बस फ्रेंड दोस्तों इतना ही, चैनल पर नए चैनल को ले सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको इसी तरीके की वीडियोस की सारी जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं सब नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।